फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6000 एमएच तक का बड़ा सा बैटरा, 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 जैसे पावरफुल चिपसेट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 4 बेस्ट फोन अंडर 10,000। और वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर इस समय एक बड़ी सेल चल रही है जिस दौरान आपको काफी बढ़िया डील्स मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमने यहां पर उन स्मार्टफोन्स को पिक किया है जहां पर आपको कोई भी ऑफर्स अप्लाई ना करने पड़े और ये जो स्मार्टफोन है ये आपको 10 से 11000 रुपए की प्राइस पर मिल जाए। वैसे दोस्तों इन चारों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा परफेक्ट होने वाला है उसके लिए हमने यहां पर सभी स्मार्टफोन के प्रोज और कॉन्स को भी ऐड कर दिया है। तो दोस्तों आप यहां पर एक परफेक्ट डिसीजन भी ले सकेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी हेल्पफुल होगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सभी स्मार्टफोन्स को ओवरऑल फीचर्स के हिसाब से रैंक किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं नंबर 4 की, और नंबर 4 पर हमने रखा है आप सभी के लिए लंबी चलने वाली बैटरी, बड़ी डिस्प्ले और साथ ही में एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन। ये फोन है यहाँ पर रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी का 10। जानते हैं कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कुछ दिया गया है। पहले बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, साथ ही में TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आएगी। रही बात डिजाइन की दोस्तों, तो डिजाइन अपना अपना टेस्ट होता है, आप देख सकते हैं, हो सकता है कि आपको ये डिजाइन पसंद आए, हो सकता है कि आपको ये डिजाइन ना भी पसंद आए। और हाँ दोस्तों, ये फोन हल्का फुल्का यहाँ पर पानी भी झेल सकता है, जो कि इस स्मार्टफोन की एक और अच्छी बात है। रही बात फोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो आपको यहाँ पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल स्पीकर्स आपको फोन के अंदर मिल जाते हैं। और हाँ गाइस, ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात फोन के यूजर इंटरफेस की, तो इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 13 पर। तो देखा जाए दोस्तों, तो MIUI 13 स्टेबल हो चुका है, बग फ्री हो चुका है, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आती। So, दोस्तों ये तो हुए स्मार्टफोन के कुछ बेसिक फीचर्स। अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की बड़ी सी HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको यहाँ पर HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही में आपको यहाँ पर 500 नीट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। और साथ ही में दोस्तों फोन के अंदर आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन कंटेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात है। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाती है, साथ ही में 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है, तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले आपको यहाँ पर कॉन्टेंट वगैरह वॉच करने के लिए डिसेंट मिलती है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास के बारे में। फोन के बैक में लगे हुए हैं 2 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात कर ले, तो सामने आपको दिया गया है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन का जो कैमरा सेटअप है वो आपको यहाँ पर एवरेज मिलता है, और कैमरा यहाँ पर एवरेज परफॉर्म भी करता है, तो कैमरा से आप यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से 30 FPS तक। इन सभी को चलाने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये चिपसेट 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें बहुत कम आती हैं, साथ ही में बैटरी बैकअप भी आपको फोन का काफी अच्छा मिल जाता है। रही बात दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो डे टू डे टास्क आप यहाँ पर काफी ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग की बात कर लें, तो लगभग आपको यहाँ पर 2.5 से 3.25 लाख के आसपास के स्कोर मिलते हैं, जो कि इस बजट के हिसाब से बहुत अच्छे स्कोर हैं, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। रही बात गेमिंग की, तो वो भी आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। फोन की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए फोन के अंदर UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, जिससे आपको यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम भी फास्ट मिलते हैं और रीड राइट की स्पीड भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। रही बात फोन के पावर हाउस की, तो फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000 mAh का बैटरा, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है। साथ ही में आपको यहाँ पर 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोस की, तो दोस्तों इस बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलती है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, साथ ही में दोस्तों स्मार्टफोन का जो बैटरी मॉड्यूल है ये भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है।
लेकिन अगर कॉन्स की बात की जाए तो बड़ी डिस्प्ले तो दी गई है लेकिन HD प्लस के साथ में आती है। साथ ही में दोस्तों फोन का जो कैमरा है वो भी एवरेज टाइप का है। और हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है तो यहाँ पर एंड्रॉयड 12 होना चाहिए था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है। 4GB रैम प्लस 2GB की वर्चुअल रैम, साथ ही में 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज आपको मिल जाएगी और इसके लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपये। लेकिन अगर आपने यहाँ पर बैंक ऑफर्स लगा दिए तो ये फ़ोन आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये की प्राइस पर। और 9,000 रुपये में दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है, अगर आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे दोस्तों और बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो ये जो स्मार्टफोन है आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी खासी डिस्प्ले भी देता है और फोन का जो लुक है दोस्तों वो भी आपको काफी अच्छा मिलता है। ये स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का नोट 11। बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन आपको यहाँ पर प्रीमियम लुक के साथ में मिलता है और अच्छी बात है कि फोन काफी ज्यादा लाइट वेट है। 7.9 mm की थिकनेस है और 184 ग्राम का ये स्मार्टफोन है, जिसका मतलब कि इन हैंड फीलिंग में भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और दोस्तों जहां तक बात है बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको फोन प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है लेकिन TUV रिलेंट सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती। अगर हम यहाँ पर फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, जी हाँ दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में ये फ़ोन ट्रिपल कार्ड को सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और 1 memory card लगा सकते हैं। यूज़र इंटरफेस की बात कर ले तो ये फ़ोन आता है एंड्रॉइड 11 बेस XOS 10 पर, जहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह तो मिलते हैं लेकिन आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो और जो फ़ोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है दोस्तों वो आपको काफ़ी बेहतर मिलती है पहले के मुकाबले, तो यहाँ पर आपको कोई खास शिकायत नहीं आती। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ़ोन के मेन फीचर्स की। तो इस फ़ोन में आपको दी गई है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED की पैनल, जहां पर आपको NEG Dynamics का प्रोटेक्शन मिल जाता है। अप टू 750 नीट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आउटडोर वगैरह में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट लेकिन 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे यार तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरास की। तो फ़ोन के बैक साइड में आपको 2 कैमरा मिल जाते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 MP का, 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिल जाता है 16 MP का सेल्फी स्नैपर। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर कैमरा सेटअप डिसेंट है और आपको यहाँ पर टेल लाइट वगैरह में आउटपुट भी डिसेंट टाइप के मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ले तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से। जी हाँ दोस्तों, ये फुल HD के ऊपर वाली रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS तक, तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपको इस फ़ोन में काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। सो गाइज, ये फोन आता है MediaTek Helio G88 चिपसेट के साथ में और ये चिपसेट बना हुआ है 12 nm की फैब्रिकेशन पर। ये फोन हल्का फुल्का हीट होता है दोस्तों, जब यहाँ पर आप हैवी टास्क या फिर हैवी गेमिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर हल्की फुल्की हीटिंग की शिकायत आती है, लेकिन इसे यहाँ पर और भी कम करने के लिए फोन के अंदर आपको डार्लिंग 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस और भी अच्छी मिल जाती है। रही बात डे टू डे टास्क परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं आने वाले, आप अपने रोज़मर्रा के काम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर लगभग 2,18,000 के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं, तो गेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पर डिसेंट टाइप की कर सकते हैं। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आती। इन सभी को पावर देने के लिए फ़ोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि नॉर्मल यूजिंग पर एक दिन का बैकअप काफ़ी आराम से देती है। और फ़ोन यहाँ पर 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है, तो फ़ोन का जो बैटरी मॉड्यूल है दोस्तों ये भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। बाकी रही फ़ोन के प्रोज की बात, तो दोस्तों फ़ोन के अंदर आपको डिज़ाइन, डिस्प्ले और साथ ही में बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी मिलती है, जहाँ पर आपको 33W की चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। और साथ ही में फ़ोन की परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो वहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन अगर कॉन्स की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं मिलती है और फ़ोन के कैमराज में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो देखा जाए दोस्तों तो ये स्मार्टफोन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोस पसंद है और आप स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, 4GB रैम प्लस 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए नॉर्मली आपको देने पड़ते थे 12,500 रुपये, लेकिन गाइस अभी ये जो फ़ोन है बिना किसी बैंक ऑफर सप्लाई के मिल रहा है 10,500 रुपये की प्राइस पर, और अगर आपने बैंक ऑफर्स लगा दिए तो मिल जाएगा 9,500 रुपये की प्राइस पर। इस बजट में दोस्तों यार ऐसा स्मार्टफोन मिलना बहुत ही बड़ी बात है, चाहे तो आप स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं।
हाँ तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो ये भी एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन है जहां पर आपको फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन भी मिल जाएगा, एमोलेड पैनल का कॉम्बो भी मिल जाएगा, साथ में दोस्तों यहां पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड भी नहीं मिलने वाले। ये जो स्मार्टफोन है ये है मोटो का G31। करते हैं स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हालांकि TUV रेलनेट सर्टिफाइड है तो बिल्ड क्वालिटी से आपको शिकायत नहीं आती है। साथ ही में ये फोन हल्का फुल्का वाटर प्रूफ भी है तो ये भी अच्छी बात है। डिजाइन की बात कर ले तो हमेशा यहाँ पर मोटोरोला का जो डिजाइन होता है वो लगभग आपको एक ही जैसा मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कुछ अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में दो 4G सिम या फिर एक 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात कर लेते हैं, तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा। और दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की खास बात है कि आपको यहाँ पर कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड नहीं मिलते हैं, तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस फोन की अच्छी रहती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड पैनल, जहां पर आपको फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन मिल जाता है, अप टू 700 नीट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और हाँ दोस्तों किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको यहां पर दिया गया है। तो देखा जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी दी गई है। गेमिंग की बात कर ले तो स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। फोन की जो ओवरऑल डिस्प्ले है वो आपको यहां पर काफी अच्छी मिलती है, कहीं से भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए कैमरास की बात कर लेते हैं, तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिल जाता है। सामने की बात कर ले तो सामने आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है, लेकिन मोटोरोला की ट्यूनिंग नेचुरल होती है तो आपको यहाँ पर आउटपुट नेचुरल टाइप के मिलेंगे। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से 30fps तक। चलिए भाई परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek Helio G85 चिपसेट, जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर। डे टू डे के लिए तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी देता है, गेमिंग भी आपको यहाँ पर डिसेंट करा देता है। ऑनटू टू स्कोर की बात कर ले तो लगभग आपको यहाँ पर 210,000 के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं, तो परफॉर्मेंस में भी शिकायत नहीं आती है। रही बात फोन के पावर हाउस की, तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जहां पर आपको 20 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। तो फोन का जो बैटरी मॉड्यूल है भाई ये भी आपको यहां पर अच्छा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ प्रोस के बारे में, तो यहां पर आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड का कॉम्बो मिल जाता है, साथ ही में स्टॉक एंड्रॉइड और आपको यहां पर डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस भी मिल जाती है, और इसके अलावा बैटरी परफॉर्मेंस भी फोन की अच्छी है। और अगर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। और हाँ दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर अभी तक एंड्रॉइड 12 नहीं आया, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में ये स्मार्टफोन नॉर्मली आपको मिलता है 13,000 रुपये की प्राइस पर, लिंक मिल रहा है 11,000 रुपये की प्राइस पर, और अगर आपने यहाँ पर बैंक ऑफर्स लगाए तो ये फोन आपको मिलने वाला है 10,000 रुपये की प्राइस पर। तो देखा जाए यार तो हर मामले में ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इस लिस्ट का जो आखिरी फोन है ये नॉन चाइनीज है, साथ में आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी सभी कुछ काफी अच्छा मिलता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन है सैमसंग का गैलेक्सी F22। इस फोन के अंदर आपको क्या कुछ दिया गया है, पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो फोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन TUV रेलनेट सर्टिफाइड है तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। बाकी रही दोस्तों डिजाइन की बात, तो वो अपना अपना टेस्ट होता है। स्मार्टफोन का डिजाइन आपको कैसा मिलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी रही फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक दिया गया है, फोन के अंदर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं, और हाँ गाइज ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में दो 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये फोन आता है वन ऑफ द बेस्ट यूजर इंटरफेस के साथ में, जहां पर आपको मिल जाता है सैमसंग का One UI 3.1, और दोस्तों ये बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पर। हालांकि दोस्तों यहां पर आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है, लेकिन मई महीने के आसपास में आपको यहां पर एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। फोन का दोस्तों सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, आपको यहां पर यूजर इंटरफेस में कोई शिकायत नहीं आती। चलिए अब जान लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। दोस्तों ये फोन आता है 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, लेकिन आपको यहाँ पर HD प्लस की रिजोल्यूशन मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, और आपको यहाँ पर मैक्सिमम 600 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है। तो डिस्प्ले दोस्तों अच्छी है, हालांकि फुल HD प्लस होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है।
ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले मिल रही है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है, तो ओवरऑल डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। रही बात दोस्तों फ़ोन के कैमरास की, तो इस फ़ोन के बैक में लगे हुए हैं चार कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और ओवरऑल कैमरा सेटअप तो फ़ोन का अच्छा दिया ही गया है, साथ में आपको यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। डे लाइट में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है 30fps तक फ्रंट और बैक कैमरा से। कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट, जो कि आपको यहाँ पर डिसेंट टाइप की गेमिंग करा सकता है, डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाती है। 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें थोड़ी मोड़ी रहती हैं, लेकिन दोस्तों ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो डेडी डैश मल्टीटास्किंग आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर लगभग 2 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि आपको यहाँ पर डिसेंट टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। इन सभी के अलावा फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000mAh का बैटरा, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से दे देता है। साथ ही में ये स्मार्टफोन 15W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 15W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। बैकअप के हिसाब से आपको यहाँ पर बैटरी मॉड्यूल भी अच्छा मिल जाता है। रही बात फोन के प्रोस की, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और कॉन्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको नॉर्मल HD+ वाली डिस्प्ले दी गई है, जबकि फुल HD+ होता तो और ज़्यादा बेहतर होता। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको नॉर्मल टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। 4GB RAM, 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए नॉर्मली आपको देने पड़ते थे 13,000 रुपये, लेकिन दोस्तों अभी ये फ़ोन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 10,500 रुपये की प्राइस पर। और अगर आपने बैंक ऑफर लगाए तो दोस्तों ये फ़ोन आपको मिलेगा 10,000 रुपये की प्राइस पर। और देखा जाए तो अगर आप नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते थे तो डेफिनेटली आपके लिए इससे बेटर चॉइस नहीं होने वाली है। तो अगर आप चाहें यार तो इस स्मार्टफोन को भी डेफिनेटली यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज, ये तो वो टॉप 4 फोन जो कि आपको 10,000 रुपये के बजट के अंदर मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों यार यहाँ पर HD+ वाली डिस्प्ले वगैरह मिलती हैं, लेकिन ये जो फोन है ये काफ़ी कमाल के हैं, तो आप इनमें से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।